खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी हैं, 1 अक्टूबर को चुनाव है और जिस तरह मैंने वीडियो बनाई थी कि हर एक गली मोहल्ले चौपाल के ऊपर चर्चा है सिर्फ चुनाव की। फिलहाल की अगर मैं बात करूँ ये कवरेज ज़्यादा होने लग रही है तो शिवानी की यह वीडियो है और जो लोहारू के विधायक हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल जी हैं उन्होंने शुभारंभ कर दिया है भाई अपने कार्यालय का। शिवानी के अंदर आज अपना कार्यालय खोल दिया, ऑफिस खोल दिया है और जता दिया है कि भाई टिकट कन्फर्म है। और भिवानी, पुराने भिवानी जिले की अगर मैं बात करूँ भिवानी दादरी साथ में, तो भाजपा के लिए सबसे सेफ सीट जो है वह लोहारू की मानी जा है, जेपी दलाल जी की मानी जा है और उसी के तहत जो आज ऑफिस खोल दिया है। बड़ी ज़बरदस्त भीड़ थी, आप देख रहे हवन भी होया है और जनता में एक उत्साह देखने मिला जेपी दलाल जी के प्रति, भाजपा पार्टी के प्रति, कि भाई जो है हर एक आदमी ने जब हमने बातचीत करी या देखा तो हर एक आदमी का जीवन उदी कि भाई तीसरी बार भाजपा आवे और भाजपा की नीतियाँ तो जो है वो इस कार्यालय में जो इस ऑफिस उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर जो लोग आए थे उनका चाहना एक ही थी कि जेपी दलाल जी दोबारा विधायक बने, मंत्री पद मिले और जो है भाई वो जीत जाए। बड़े बड़े नारे लगे, गूंज उठा जो है सारा जो ऑफिस है वो। और उसके बाद जो है हमने बातचीत करी जेपी दलाल जी से, वह भी आपने सुनाओगे कि कुछ बातचीत हुई है जो प्रेस वार्ता में, पत्रकार वार्ता में जो बातचीत हुई है वो आपके शामिल रहा। साथ में मिलते हैं मैं लाइव वीडियो के साथ। लगातार वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, कॉमेंट बॉक्स में राय दे दियो। सारे दर्शकों राम राम भाई। आज शिवानी के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया है और यहीं से चुनाव का श्रीगणेश हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि शिवानी की जनता, लोहारू की जनता, बहल की जनता, लोहारू क्षेत्र के बच्चा बच्चा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अमल के निशान पर बटन दबा करके प्रचंड बहुमत से विजय दिया। बड़ा खुशी का मौका है, बड़ी खुशी की लहर है और लोहारू की जनता ये महसूस कर रही है कि पहली बार लोहारू से सीधा चंडीगढ़ को रास्ता जाता है, कोई वाया रास्ता दूसरी तरह से नहीं, यहाँ सीधी सड़क हाईवे निकल गया है। और शिवानी की जनता को, लोहारू की जनता को पहली बार समझ में आया है कि सरकार के अंदर उनका हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है। मोदी जी जो है गरीबों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और गरीब जो जाग चुका है अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और किसान अपने क्षेत्र के आगे बढ़ाने के लिए, सब जो है भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत। युवाओं के लिए विशेष योजनाएं मेरे दिमाग में है, समय आने पर उनका मैं बताऊंगा और इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के साथ उपलब्ध कराऊंगा। ऐसा है, मेरी जनता को मैं हर रोज हिसाब देता, हर 24 घंटे में हिसाब में देता रहा हूँ और हिसाब जनता उनसे मांगेगी जो 10 साल तक क्षेत्र को हरियाणा के अंदर मानते ही नहीं थे और आज जो वोट लेने मांगने आए हैं लोहारू के क्षेत्र को जो हरियाणा में नहीं मानते थे, जनता उनसे हिसाब मांगेगी। थैंक यू और बहुत धन्यवाद।